लोग के लिए छोले भटूरे रेडी है और दे देती हूँ। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी सुबह के 7:19 हो चुके हैं और वेद तो स्कूल चला गया है और किट्टू तो रेडी हो गई है, अभी मैं उसे छोड़ने जाऊंगी। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। किट्टू हो गया, किट्टू रेडी हो चुकी है। हैंकी को क्यों वॉश कर रही हो? और दूसरे हैंकी है ना, तब तक वाश कर। अरे मत ले जा, चलो 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 चलो। आ गए किट्टू के स्कूल, लेकिन थोड़ा लेट हो गया है। चलिए चलिए पहुंचा दो दी, बट थोड़ा लेट हो गया था, सारे स्टूडेंट आ गए थे। अभी तो 8-10 हो गए हैं और साइड में एक पार्क थी तो मैं वहाँ पे वॉकिंग करने लगी। और किट्टू की जो आदत है वो छूट गई थी पैदल चलने की, क्योंकि कहीं भी जाती थी तो स्कूटी से ही मैं पहुंचाती थी उसे। और आज तो किट्टू के पापा ड्यूटी लेके चले गए थे तो पैदल ही जाना पड़ा, तो वो चल नहीं पा रही थी, बहुत स्लो स्लो चल रही थी। और अभी तो लोग स्कूल भी हो गया है तो एक्सरसाइज का टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा है मुझे। तो अभी ऐसे ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है और किट्टू के पापा भी ड्यूटी से आ गए हैं, क्योंकि नाइट ड्यूटी थी तो स्कूटी लेके गए थे। तो अपना ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ और उसके बाद तो जानते हैं हाउसवाइफ लोग का काम क्या रहता है, झाड़ू पोछा बर्तन, फिर दोपहर का खाना, बस वही सब, बच्चों को लाना, यही सब रहता है। तो ज़रूर आप लोग सपोर्ट कीजिए मुझे ताकि मैं और भी अच्छा वीडियो बनाऊँ और आगे बढ़ूँ। अभी बच्चे लोग स्कूल से आ गए हैं और लोगों को खाना दे देती हूँ। और आज का लंच में देख सकते हैं क्या है, लंच में है दाल और सोयाबीन की सब्जी है, सैलेड रोटी है। अभी लंच तो हो चुका है और अभी रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि अभी 3 बज रहे हैं और वेद को ट्यूशन भी पहुँचाना है, तो उसे ट्यूशन पहुँचा के मैं आऊँगी, फिर किट्टू को कुछ होमवर्क कराऊँगी। तो अभी चलती हूँ। ड्रेस नहीं खोली, कब भी आई है वो, अभी तक ड्रेस नहीं खोली, अभी तक चिप्स खा रही, खाना खाई फिर चिप्स खाना स्टार्ट कर दी। अच्छी अच्छी चीज़ चट कर रही है। तो किट्टू मार्केट गई थी और पानी पूरी लेकर आई थी, पूरी सिर्फ लेकर आई थी यार, तो घर को सब अलग अलग लेकर आई थी, घर में मैं बनाई। देखिए मेरे लिए तो बचा ही नहीं, वही खा ली है। नहीं मैं नहीं खाऊंगी आजकल, तो उन लोग का आजकल ब्लॉग में तो उन लोग का ब्रेकफास्ट भी मैं नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि सुबह उठती हूँ 6 बजे, फटाफट खाना उन लोग के लिए लंच बनाती हूँ, लंच नहीं मतलब ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, और हर बार मैं बना भी नहीं पाती हूँ। ऐसे तो उन लोग आजकल रोटी लेके जा रहा है, सब्जी रोटी भुजिया, आजकल उन लोग का नखड़ा कम हो गया है। आजकल उन लोग को नहीं चाहिए पोहे या सैंडविच, आजकल किट्टू नखड़ा नहीं करती है, उसे जो दो खा लेती है वो। आजकल गुड गर्ल हो गई है किट्टू। और उसके पापा देखिए कैसे बैठे हैं, बेचारे पापा को चोट लग गया वो। क्या पाव का हालत कर लिया है, स्कूटी से गिर के पूरे चोट लगा लिए। आपको बताएंगे दूसरे ब्लॉग में पापा के साथ क्या हुआ था। अभी शाम भी हो गया, अभी ये तो ट्यूशन शाया भी खेलने के लिए गया है और अभी मैं डिनर बनाऊंगी। आज क्या बनेगा डिनर में? था अच्छा, अभी लोगो सुबह नहीं चाहिए तो शाम में लोगों का नखड़ा पड़ रहा है, शाम में पोहे चाहिए, सैंडविच चाहिए, नहीं, नहीं, पोहे नहीं, तो क्या दलिया? नहीं रोटी सब्जी, रोटी सब्जी चावल दाल। ठीक है चलिए बनाते हैं। अभी पीने में बच्चों लोग का अभी शौक मर चुका है, अभी उसके पापा का शौक चढ़ा है, अभी भटूरे चाहिए, छोले भटूरे है। अब बीच में बनाती थी तो बोलते थे इतना ऑयली चीज क्यों बनाती है, उबाल उबाल के खाओ, और आज मुझे बोल रहे हैं कि छोले भटूरे बनाओ। बहुत दिन हो गए, वजन भी बढ़ गए गांव जाके 2-2 किलो। अब घटाना तो मुश्किल हो रहा है मुझे तो। इतना बड़ा आइसक्रीम किट्टू कहाँ से तू लाई? मैं तो देखी ही नहीं, कैसे बनाया? क्या फ्रूटी? हाँ फ्रूटी में, फ्रूटी का होता है पैकेट का ढक्कन ऐसे खोल कर जो ये डाल दिया स्टिक, हाँ, और शाम तक जमा के रख दिया।
यही करते रहती है ये दिन भर घर में रहेगी तो कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहती है। कितना बड़ा सारा आइसक्रीम लग रहा है इसे। बड़ा है मेरा आइसक्रीम। खाना कब खाओगी तुम? अभी खा रही हो 8 बजे ये तो। मैं इसको ऐसे डुबा के रख दूंगी। जूठे रखेगी? किसको खाने नहीं दूंगी। मैं खा लूंगी चुड़ा चुड़ा के। मेरे को नहीं खाना। अभी डिनर का टाइम तो हो चुका है, 8:15 हो चुके हैं और किट्टू सो गई है क्योंकि स्कूल में आज स्पोर्ट डे था तो योगा वगैरह की है क्योंकि बहुत दिनों के बाद योगा की तो थक गई तो सो गई है वो। और वेद है उसके पापा अभी पासपोर्ट साइज का फ़ोटो खिंचवाने के लिए गए हैं क्योंकि फ़ोटो का ज़रूरत है स्कूल में। उठाते हैं देखते हैं खाती है कि नहीं खाती है वो। अभी मैं उसे खिला देती हूँ क्योंकि अभी टूटने वाली नहीं है वो। तो आज का डिनर में मैं दलिया बनाई हूँ तो उसे खिलाती हूँ, उठा के देखती हूँ। थक जा रही है, स्कूल जा रही है तो आजकल क्योंकि 2 साल तो बहुत आराम की है, अभी उससे ज़्यादा वर्क हो जा रहा है। रात का 11 बज चुके हैं और बच्चे लोग सो गए। किट्टू तो आज 10 बजे ही सो गई क्योंकि आज स्कूल में उन लोग का स्पोर्ट डे था तो किट्टू को योगा कराया गया था और वेद को रनिंग। तो वेद तो 2nd पोजिशन पर आया और उसका फाइनल शायद 1 वीक के अंदर हो जाए। अब किट्टू तो योगा की थी तो वो तो 2 साल के बाद की थी तो बहुत ज़्यादा वो थक गई और खाना भी नहीं खाई और सो गई वो। तो आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो ब्लॉग को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर भी कीजिए अगर अच्छा लगा होगा तो। आज जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी सुबह का 7:19 हो चुके हैं और हमारा बड़ा बेटा तो स्कूल चला गया है। किट्टू रेडी होके बैठी हुई है क्योंकि उसके पापा भी ड्यूटी से आएंगे तो वो लेकर जाएंगे क्योंकि स्कूटी वही लेकर गए हैं। तो बस अभी आते ही हैं तो वो बोले कि नीचे उतार देना, उसको भेज देना, मैं पहुंचा दूंगा क्योंकि नज़दीक ही है स्कूल, ज़्यादा दूर नहीं है तो अभी टाइम भी है अभी। और उन लोग का ब्रेकफास्ट में भी मैं सैंडविच दी हूँ क्योंकि हर दिन उन लोग सब्जी रोटी या पराठा लेके जाता था तो आज किट्टू बोली कि मम्मा आज मुझे सैंडविच चाहिए। तो बोले ठीक है तो दे दी हूँ। पहले से चिल्ला हुआ था ना? अरे डॉट था तो पहनाने में छिलना गया तो मम्मी ने गुस्से में गुस्से में छिल दी। एक तो तू जल्दी उठती है नहीं, किट्टू उठो किट्टू उठो करते रहती हूँ मैं, टाइम भी हो रहा था स्कूल का। अरे इसमें नहीं लिखना, मैं दूसरे वाले में लिख दी हूँ ना। हाँ मैम खुद लिखेगी, वो स्कूल का वो सारा है। बहुत गर्मी पड़ रही है, जब मैं गाँव से आए थे तो ठीक था, 2 दिन मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा कीचड़ में तो इतना पसीना पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा। अभी ऐसे भी हो, यहाँ मानसून पता नहीं कब आएगा, ऐसे जून आते ही बारिश होना स्टार्ट हो जाता था लेकिन इस बार तो हो ही नहीं रहा है। शायद 10 तारीख तक हो, आज 9 है ना, कल 10 है तो 10 तक कल तक हो। ऐसे बादल तो पूरा छाया छाया हुआ है लेकिन बारिश नहीं हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है। तो अभी किट्टू स्कूल जाएगी फिर उसके बाद तो अपना वही काम, झाड़ू पोछा बर्तन, फिर उन लोगों का लंच का तैयारी, बस डेली का तो वही काम रहता है। किट्टू जा रही है, अभी नीचे खड़े रहेगी, उसके पापा आएंगे पहुंचा देंगे उसे। जा बाय बाय बाय। अभी मैं नाम ले रही थी कि इधर 10 तारीख तक बारिश हो जाती है, अब देखिए बारिश भी स्टार्ट हो गई है, इधर बारिश होना स्टार्ट हो गई, बट धूप भी है बारिश में। और आज से तो बहुत वो जब तक गणपति नहीं जाएगी तब तक बारिश होती रहेगी, तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है। बच्चे लोग तो स्कूल चल गए और किट्टू के पापा कल से बोल रहे छोले भटूरे बनाओ, तो अभी मैं भटूरे के लिए मटेरियल रेडी कर रही हूँ और उससे आटा लगा रही हूँ मैं, तो 2 घंटा पहले मैं लगा के रख दूँगी फिर उसका भटूरे बनाऊँगी। ये मैदा है, मैदा ले ली हूँ और उसमें नमक थोड़ा मिक्स कर दी, और ये दही है, दही में ही मैं उसे मिक्स करूँगी, इसका डो बनाऊँगी।
भटूरे को। ये हमारा दही है, मिक्स कर दी। इसके डो बना के मैं 2 घंटे तक रख दूंगी, फिर बनाऊंगी भटूरे। मैं मैदे का डो बना के रख दी हूँ, 2 घंटे के लिए छोड़ दूंगी, फिर उसके बाद बनाऊंगी। तब तक मैं अपना शेक पी लेती हूँ। मैं बस शेक पी लेती हूँ, फिर उसके बाद प्रेशर कुकर में मैंने चने भी उबाल दिए हैं, फिर बनाऊंगी। क्योंकि कल से वो बोल रहे हैं किट्टू के पापा कि छोले भटूरे बनाओ, छोले भटूरे बनाओ। कभी कभी उनको मन होता है खाने का, ऐसे उनको इंटरेस्ट नहीं है इतना खाना पीना में, लेकिन पता नहीं कि वो कल से बोल रहे कि बनाओ बनाओ। पी लेते फिर आधा काम करती हूँ। आ गए ड्यूटी से, पूरा बारिश हो रही है, कैसे रुमाल बांधे हुए हैं, बहुत बारिश होने लगी ना। अभी भी डराती तू मैं। इंजेक्शन लेने के लिए ये चाहिए क्या? पासवर्ड। ओके छोले में मैं लेट कैसे हो गया स्कूल से? बहुत लेट छोड़ा आज। लेट छोड़ा क्यों? आज कुछ था क्या स्कूल में? कुछ नहीं, हॉर्न मार गया। लोग आ गए हैं तो अभी जल्दी से भटूरे बनाती हूँ। छोला तो बना चुकी थी, तुम लोग कहीं वेट कर रही थी कि तुम लोग आओगे तो भटूरे बनाऊंगी। मम्मी पापा ने बता दिया मैं काली जामुन खाई। अरे कहाँ से? मेरी दोस्त ने खाया। अच्छा, स्कूल से जाती है तो क्या करती है? शेयर करती है, टिफिन शेयर करती है। कौन कौन क्या वैरायटी लेके जाता है वो लोग? अरे बाबा इतना कुछ खाया, मैगी भी खा लिया। चलो बनाते है फिर। आजकल लंच में तो छोले भटूरे ही है। चलो 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 चलो, लेट हो रहा है, लेट हो रहा है। धक 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 धक। अच्छा लग रहा है स्कूल में? मजा आ रहा है। मम्मी आज आपको बता नहीं क्या? अब पढ़ाई लिखाई में मन लग रहा है, चल समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है, होमवर्क कर लेना सारा, ठीक है? हाँ होमवर्क कर लेना। लोग के लिए छोले भटूरे रेडी है और दे देती हूँ, क्योंकि आज का लंच में छोले भटूरे ही है। लो भटूरे, उठ जाओ और टेस्ट करके देखो कैसा बना है। टेस्ट करो, टेस्ट क्यों, देखने में कैसा लग रहा है? गंदा। शाम का 7:30 हो चुके हैं और अभी मैं डिनर का तैयारी कर रही हूँ। किट्टू पढ़ाई कर रही है, किट्टू पढ़ाई कर रही हूँ, होमवर्क कर रही है अपना। अभी मैं आटा लगा कर रख दी हूँ और इसमें मैं बैगन बना रही हूँ। अभी तो 9 बज चुके हैं, लेकिन किट्टू को रोटी नहीं चाहिए था, उसे पूरी चाहिए था, तो मैं फिर उसके लिए पूरी बनाई। और आज का डिनर में देख सकते हैं क्या है। मैं किट्टू के लिए तो बस सुबह वाली ही है सारा, उसे प्याज और नींबू चाहिए तो नींबू मैंने दे दिया है। और ये बैगन की भाजी है और रोटी है, किट्टू को दे देती हूँ। वे तो खा चुकी, उतर ना बेड से नीचे उतरेगी तब तो खाएगी, इसलिए कहती हूँ ना डेली पढ़ा कर तो प्रैक्टिस रहेगी। अरे आपने लेट खाना दिया मुझे। अरे नहीं खाना, तो पूड़ी बनाने में समय लगता है ना, पहले तो रोटी बनाए, तुम्हारे हिस्से का भी रोटी रखा, तुम बोल रही पूड़ी दो। रात का 11 बज चुके हैं और बच्चे लोग तो 10 बजे ही सो गए थे, जब से स्कूल जाने लगे बच्चे लोग तो जल्दी सो जाते हैं। और आज से मुंबई में बारिश स्टार्ट हो गई है, और ये तो जब तक गणपति, मतलब मुंबई में गणपति जब होते हैं उसके बाद ही ये बारिश जाती है और बहुत ज़्यादा होती है। अभी तो खैर रुक रुक के हो रही है, तो अभी इतना पता नहीं चल रहा है, लेकिन इतना होता है बारिश कि अपने लोगों तो पूरे भर जाता है। तो आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो ब्लॉग को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, या जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।